त्याला सुरुवात करावी अशी मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय. त्यासाठी पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय महेश पिटकूर मॅन फ्रॉम कोरलई आणि त्यांच्या समवेत अन्य एक पंच विनोद पाटील मॅन फ्रॉम झिराड. सामना सुरू होतोय, पंचांचा इशारा आलाय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी यासीन मर्चंट आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतोय. धन्यवाद. सुमेद पत्रे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं. विकेट के पीछे सुशांत कांबळे. फाइव सिक्स डबल झिरो यांच्या तर्फे सूरज यांच्यासाठी सुवर्ण संधी. लागोपाठ 3 षटकार मारले तर 500 रुपयाचं पारितोषिक इथे देण्यात येईल आणि जर सूरज यांनी नाही मारले तर ते मंडळामध्ये जमा करण्यात येतील. सुमेध पत्रे राइट आर्म ओवर द विकेट. बहुत ही बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंद थी. ऑफ स्टंप के बाहर पिच होने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, थोड़ी सी अंदर की तरफ आई. उसे कवर की दिशा में ड्राइव करना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में. बहुत ही बढ़िया गेंद थी. बैक टू बैक दो गेंदे अलीबाग एक्सप्रेस. सुमेध पत्रे बिंदी करते हुए कमाल का गेंदबाज. पहली मरतबा प्रमोद स्ट्राइक गेंद पर बाया हाथ के बल्लेबाज. अंपायर से गार्ड लिया. अब मुआयना करते हुए फील्डिंग का 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद रहेगा. 30 गज के दायरे के अंदर देखिए क्या कमाल की गेंदबाजी की है. शानदार शुरुआत की है. पहले 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है, वो भी अतिरिक्त के रूप में. फिर से एक बार जोरदार अपील मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. बहुत ही बढ़िया गेंद, इस मतबा तकरीबन यॉर्क करने की कोशिश की थी और उस गेंद को खेलने का प्रयास भी किया था मगर गोली की रफ्तार से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में निकल गई. लाजवाब गेंदबाजी हो रही है. सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजों को अचंभित करने वाली गेंदबाजी. सुमेध पत्रे द्वारा तमाम क्रिकेट के दीवानों को एक क्रिकेट का तोहफा. इस मरतबा फ्लिक किया था उसे, हवा में खेलने की गलती और लॉन्ग ऑन की दिशा में निखिल पाटिल उसके नीचे आए और एक आसान सा कैच और ये पहले विकेट का पतन होता हुआ. प्रमोद राउत आउट होने के बाद नए बल्लेबाज एज आइकॉन के रूप में इस टीम में खेलते हुए प्रशांत मोहरे मैन फ्रॉम कुरुल नौ स्ट्राइक एंड पर जाते हुए एक अच्छे गेंदबाज और उसी के साथ एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में इस खिलाड़ी ने अपनी पहचान बनाई है मगर आज देखिए बहुत ही खराब हालत, खस्ता हालत बल्लेबाजी करने वाली टीम HPCL की. 5 गेंदे हो चुकी है, मात्र 1 रन. ओहो, फिर से एक बार गोली की रफ्तार नजर आई. तेज तर्रार यहाँ पे जिन्होंने भी ऐनक अपने आंखों के सामने लगाई है मेरी जैसी, वहां पे उन सभी को गेंद नजर नहीं आ रही है. मुझे यहां से गेंद भी नजर नहीं आ रही, इतनी तेजी के साथ निकल रही है टप्पा खाने के बाद. वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया गेंद. देखते देखते ओवर की समाप्ति हो चुकी है. पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मात्र 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर. एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज प्रमोद राउत आउट हो चुके हैं, यही एक चिंता का विषय. अब यहाँ पे 3 ओवर बचे हैं, इन 3 ओवर में कितने रन बनेंगे. पहले ओवर की समाप्ति के बाद नए गेंदबाज आए हैं निखिल पाटिल बाएं हाथ के गेंदबाज. वागरण से बिलोंग करने वाला यह खिलाड़ी अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं आणि कोणाची चावी हरवली असेल तर कृपया ओळख पटवून घेऊन जा. अब यहां से 30 गज का दायरा भी हट चुका है.
बिहाइंड द विकेट, देखिए विकेट कीपर के पीछे शॉर्ट फाइन लेग शॉर्ट थर्ड मैन, और उसी के साथ बैकवर्ड पॉइंट, एक डीप पॉइंट हमें नजर आता हुआ, और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑफ और एक डीप मिड विकेट। पहली गेंद फिर से एक बार उसे घूमकर खेलना चाहते थे, हुक करना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी घूमती हुई, कमाल का ये पिच यहाँ पे मुहैया करवाया है। इस पिच में उछाल भी है, इस पिच में घुमाव भी है, और इसी वजह से बल्लेबाज बार बार यहाँ पे अचंभित तो होते हुए। जी हाँ, ओवर पिच गेंद, उसे ऑन द राइज खेल दिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में, थोड़ी सी खराब फील्डिंग आदिल कुरैशी द्वारा, थोड़ा सा लेजी नजर आए, वरना ये कैच भी हो सकती थी, मगर शायद ये फ्लड लाइट होने की वजह से गेंद जितनी साइट होनी चाहिए, जितनी दिखाई देनी चाहिए, उतनी जल्दी दिखती नहीं है, और इसी वजह से शायद वहां पे थोड़े से फंबल हुए। निखिल फिर से एक बार, जी हाँ, इस मरतबा फुल लेंथ डिलीवरी थी, लोअर फुल टॉस गेंद, कारपेट के सहारे उसे खेल दिया डीप मिड विकेट की दिशा में, अच्छी फील्डिंग, फिर से एक बार एक के अलावा कुछ भी नहीं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। हालांकि सभी क्रिकेट के दीवाने यहाँ पे बड़े स्ट्रोक के इंतजार में हैं, धमाका देखना चाहते हैं इस मरतबा, ये धमाका नजर आता हुआ, मगर आदिल कुरैशी वेल जज कैच, बहुत ही बढ़िया कैच लपकते हुए दूसरे विकेट का पतन यहाँ पे होता हुआ। प्रशांत मोहरे बैक टू द पैवेलियन। नेक्स्ट मैच प्रदीप स्पोर्ट्स नौखार विपक्ष आराध्य, अनुज कदम पुरस्कृत आराध्य 11 मसला। मी विनंती करतोय दोन्ही ही संघाच्या संघ नायकांना की आपण ताबडतोब समालोचन कक्षापाशी यावं, दोन्ही ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती आहे की आपल्या 11 खेळाडूंची नावं कृपया आमच्यापर्यंत पोहोचवावी। चलिए दोस्तों, ये मैच लाइव है और इसका भी हमें ध्यान रखने की जरूरत। तीसरा ओवर जारी है, नए गेंदबाज आए हैं सुशील, रनों की संख्या मात्र 4, कमाल की गेंदबाजी हो रही है, जादुमय गेंदबाजी, और इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर पिच होने के बाद और बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, अंपायर जी ने उसे व्हाइट करार दिया था, हालांकि उस गेंद को छोड़ दिया था व्हाइट समझ के, और अंदाजा सही निकलता हुआ सूरज गोंदली का। 4 ओवर का मैच और 2 ओवर हो चुके हैं,
मात्र 5 रन स्कोरबोर्ड पर। सूरज ने मात्र अपने टीम के लिए अब तक 2 रनों का योगदान दिया है और प्रशांत मोहरे ने 1 रन बनाया था। जी हाँ, इस मरतबा उल्टे हाथ से खेला, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, मगर उतनी ही अच्छी फील्डिंग। सही निशाना अगर होता तो यहाँ पे आकाश को मैदान से बाहर आना पड़ा होता। तकदीर का साथ यहाँ पे आकाश के तकदीर ने साथ दिया और एक जीवन दान, एक नई जिंदगी मिलती हुई। नई जिंदगी का कितना फायदा उठाएंगे आकाश, ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर अच्छी बल्लेबाजी करने की सख्त जरूरत। अगली गेंद फिर से एक बार, गेंदबाज सुशील बॉलिंग मार्क पे कुछ थोड़ी सी दिक्कत आती हुई फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पे लौटते हुए। मगर तमाम क्रिकेट के दीवाने देखिए कितनी शिद्दत के साथ इस ठंड में, इस नमी में और इस शबनम और ओस की बूंदों का असर के बावजूद इस मैच का आनंद उठा रहे हैं। इस तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से फिर से एक बार इस्तकबाल करना चाहूंगा, खैर मकदम करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा। सुशील, जी हाँ, बैकफुट पर जाके पंच किया था, जोरदार प्रहार किया था, मगर कमाल की फील्डिंग। जितनी अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है और उतनी ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पे हो रही है और इसी वजह से यहाँ पे एक एक रन के लिए बल्लेबाजों को तरसना पड़ रहा है, एक एक रन के तलाश में। करे तो क्या करे, किस तरह से यहाँ पे रन जुटाए जाए, इसी विवंचना में, इसी सोच में डूबे हुए सूरज। हालांकि सलामी बल्लेबाज के रूप में प्रयत्न कोशिश जारी है। जी हाँ, फिर से एक बार अपने घुटने के बल गए, उस गेंद को मिडल तो जरूर किया मगर इतना ताकत भरा स्ट्रोक नहीं था। लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधा फील्डर को ढूंढ लिया था, फिर से एक बार यहाँ पे एक के अलावा कुछ भी नहीं। और इस एक रन के साथ रनों की संख्या मात्र 8 रन। सदी हुई गेंदबाजी, सटीक निशाना, सही लंबाई, सही दिशा, क्रिकेट की परिभाषा में परफेक्ट लाइन एंड लेंथ जिसे कहते हैं। इस मरतबा हेलीकॉप्टर चलाया मगर लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर को ढूंढ लिया और इसके साथ ये तीसरा झटका आकाश के रूप में लगता हुआ HPCL को। किया खलबली यहाँ पे सर जरूर मची है बल्लेबाजी करने वाली टीम में, क्योंकि तीसरा ओवर जारी है और रनों की संख्या मात्र 8 रन। अब तक दोहरी आंकड़ा भी यहाँ पे नहीं छुआ है। इस मरतबा ओवर बीच गए, नाव देखा ना ताव और उसे खेल दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। गेंद हवाई सफर करती हुई 6 रनों के लिए। हमारे डीजे मास्टर बहुत ही होशियार है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, समय सूचकता देखिए उनकी। 14 रन इस छक्के के सहायता से छलांग लगाकर जा पहुंची है। हालांकि 8 के आसपास गिर रहे थे, लुढ़कते हुए यहां पे गिरते पड़ते हम देख सकते हैं 14 के स्कोर पर पहुंचे हैं HPCL पहले बल्लेबाजी करते हुए। अभी भी एक ओवर आना बाकी है, इस ओवर में कम से कम 15 रन और जुटाने होंगे विकास, तब जाके यहाँ पे कुछ एक मजेदार मैच, एक सम्मान पूर्वक स्कोर और एक फाइटिंग मैच हमें देखने को मिलेगा। और ये दोनों भी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज आकाश उर्फ गुड्डिया, आकाश अच्छी बल्लेबाजी और उसी के साथ अच्छी गेंदबाजी करने के लिए एक अच्छे ऑलराउंडर के हैसियत से जाने जाते हैं। आज और इस वक्त उनके टीम को सख्त जरूरत है उनकी बल्लेबाजी की। क्या आकाश यहां पे अच्छी बल्लेबाजी करेंगे? नए गेंदबाज इस बीच अक्षय, ओहो बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मगर फील्डर को ढूंढ लिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, फिर से एक बार सीधा फील्डर के हाथों में खेलने की गलती और इसी वजह से मात्र एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा आकाश को। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 15 रन। चश्मा लगाकर सूरज गोंदली बल्लेबाजी करते हुए टेनिस क्रिकेट में शादाब सुमरा और उसी के साथ प्रथमेश पवार नाना ऐसे ही। और इस मरतबा फिर से एक बार सूरज गोंदली के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का।
लाजवाब एक से बढ़कर एक सुमधुर संगीत की मेजबानी सादर करते हुए हैंडसम डीजे योगेश 21 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 21 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अब यहां पे थोड़ा सा कुछ शेप मुझे नजर आता हुआ, रनों की संख्या का इस मरतबा कारपेट के सहारे फिर से एक बार खेल दिया उसे स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर इस मरतबा एक ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग सुशील की और इस एक रन के साथ रनों की संख्या 22 रन, 22 रन ऑन स्कोर बोर्ड। कहते हैं कि किनारों पे बैठ के नैया पार नहीं होती और कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश यहां पे जरूर हो रही है, दो छक्के भी आए हैं फिर से एक बार। आहा, जोरदार प्रहार तो किया मगर लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा आदिल के हाथों में और गुड्डिया बैक टू द पैवेलियन। मनीष पाडेकर यांच्या तर्फे सूरज यांच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। जर तरची भाषा आहे पण जर षटकार मारला तर 500 रुपये, वा याच्या आधी षटकार मारला त्याचं काय नाही। तो चार गेंदे हो चुकी है, अभी भी दो गेंदे आना बाकी है, इन दो गेंदों में कितने रन बन पाते हैं। आहा, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक मगर फिर से एक बार वहां पे टॉस होता हुआ, कैच ड्रॉप, कैच छूटा, मुकद्दर रूठा, दिल टूटा और दोनों भी बल्लेबाजों ने एक रन को लूटा और इस एक रन के साथ रनों की संख्या 23 रन, 23 रन ऑन स्कोर बोर्ड। अब चौथे ओवर की एकमात्र गेंद बची है, अंतिम एक गेंद शेष। इस एक गेंद का सामना करने के लिए नए बल्लेबाज रवि, मगर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, गेंद जा रही थी वाशी, ये पहुंच गए काशी। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, चार ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 23 रन, जीतने के लिए 24 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। जब तक ये मैच शुरू होता है तब तक मैं फिर से एक बार आप सभी के मनोरंजन के लिए हमारे डीजे मास्टर हैंडसम योगेश के पास ले चलता हूं, धन्यवाद। अनुज कदम पुरस्कृत आराध्य 11 मसला या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना आता मात्र मी शेवटचा पुकार देतोय, कारण या मधल्या वेळेमध्ये टॉस होणं अपेक्षित आहे आणि त्याचप्रमाणे आपल्या 11 खेळाडूंची नावं आमच्या समालोचन कक्षामध्ये माझ्या बाजूला बसलेले अभिषेक वाळंज यांच्यापर्यंत पोहोचवावी। आणि त्याचप्रमाणे मित्रांनो एक नाव माझ्याकडून राहून गेलं होतं, चेंडू स्वयंसेवक प्रकाश पाटील, जरा चेंडू द्या। प्रकाश पाटील मॅनेजमेंट गुरु, या स्पर्धेचे संपूर्ण मॅनेजमेंट सांभाळणार आहे। तर मित्रांनो एक नाव अनावधानाने माझ्याकडून राहिलं होतं, अर्थात ते म्हणजे आमचे मंगेश पाटील नवेदर बेली येथील, ज्यांच्या वतीनं अर्थात मंडप डेकोरेटर्स आणि संपूर्ण लाईटची व्यवस्था केलेली आहे। हे टेक्निशियन्स मंगेश पाटील आणि त्यांचा संपूर्ण सेट आपण पाहतोय, जो उजेड, जी लाईट आणि प्रकाश झोतामध्ये असलेली ही जी काही करामत आहे ती अर्थात मंगेश पाटील यांच्या वतीनं ही सेवा देण्यात आलेली आहे। तर धन्यवाद मंगेश जी। तो चलिए दोस्तों, प्रदीप स्पोर्ट्स नौकार संघाचे संघनायक
आलेले आहेत, किशोर पाटील आलेले आहेत, मसला संघाचे संघनायक मसळा अनुज कदम पुरस्कृत आराध्य इलेवन मसला कर्णधार मसला संघाचे कर्णधार इर्शाद धायरेकर वेलकम आमच्या अलिबाग मध्ये तुमचं हार्दिक स्वागत धन्यवाद आपण आमच्या विनंतीस मान दिलात आणि इथे ताबडतोब यावं आणि टॉस करावा इर्शाद धायरेकर आणि त्यांच्या समवेत दोन्ही संघांना हार्दिक आपण शुभेच्छा देऊया आणि वळूया पुन्हा एकदा मैदानाकडे. तो चलिए दोस्तों फिर से एक बार तमाम क्रिकेट के दीवानों को मैं ले चलता हूं इस मैदान पर. पहला ओवर लेके आए हैं वैभव आंबूकर. तेज तर्रार गेंद थी, बैकफुट पर गए, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, दनदनाती में निकल गई गेंद चार रनों के लिए. पहली गेंद के साथ चौके से शुरुआत. नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता. आगाज यहां पे हो चुका है चौके के सहायता से, अब अंजाम क्या होगा. फिर से एक बार जी हां, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर तैनात, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और यह पहले विकेट का पतन होता हुआ रन आउट के रूप में एक बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन. अभिमन्यु के चक्रव्यूह से कैसे बच पाएंगे. बहुत ही अच्छा यहां पे चक्रव्यूह बुना था अभिमन्यु ने, हालांकि वो चक्रव्यूह में फंस गए थे और यहां पे सुशील को फंसाया उन्होंने. तो इस बीच नए गेंदबाज निखिल पाटिल एक अच्छे ऑलराउंडर, नॉन स्ट्राइक इन पर, स्ट्राइक इन पर सुशांत कांबड़े. वैभव अंबुकर की ये गेंद को अंधाधुंध बल्लेबाजी करते हुए खेल दिया, मगर क्या कमाल का कैच सूरज गोंदली द्वारा देखने को मिला. बहुत ही बढ़िया कैच और इसके साथ सुशांत बैक टू द पवेलियन. का जवाब पत्थर से देना हमें भी आता है, ये बताते हुए अपने बॉडी लैंग्वेज से क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है. वैभव अंबुकर वैसे ही एक अच्छे गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं. पहली गेंद के ऊपर चौका लगा था तो ऐसा लगा था कि यह मैच बहुत ही आसानी के साथ बल्लेबाजी करने वाली टीम बहिरेश्वर मानी जीत जाएगी, मगर बाउंस बैक जिसे कहते हैं, फिर से एक बार कमबैक किया है, वापसी की है वैभव अंबुकर ने. और मुझे याद है पहले इस टूर्नामेंट के पहले सीजन में उत्कृष्ट गेंदबाज रहे थे यही गेंदबाज, अच्छे ऑलराउंडर है, अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी और वही फिर से एक बार तेवर. आहा, ये देखिए बैक टू द बॉलर, खेलने पर मजबूर कर दिया, फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग, एक डाइव लगाई, उस गेंद को जाने नहीं दिया और बल्लेबाजों को वहीं पर रोकने पर मजबूर भी कर दिया. लगातार तीन गेंदें यहां पे डॉट होती हुई, चार गेंदें हो चुकी है, मात्र चार रन स्कोरबोर्ड पर, दो बल्लेबाज बैक टू द पवेलियन, दो बल्लेबाज आउट हो चुके हैं. अब यहां पे निखिल और मंगेश संघर्ष करते हुए. जी हां, इस मरतबा अपने लाइन एंड लेन से भटके लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर विनोद पाटिल ने व्हाइट करार दिया.
व्हाइट के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। ऐसी गेंदबाजी अगर आप करोगे तो जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव और उसी के साथ जो माहौल क्रिएट हुआ है उस माहौल से परे होंगे, मनोवैज्ञानिक दबाव उनसे हटेगा और फिर उन्हें जीतना बहुत ही आसान होगा। वक्त रहते हैं संभलना होगा। फिर से एक बार वही गलती, उसी तरह की गेंद लेग स्टंप के बाहर। हालांकि पिचिंग बहुत ही अच्छी, मगर थोड़ा सा और अंदर की तरफ अगर पिच होती है तो ये बल्लेबाज को सताने वाली गेंद होगी। गलती करो, गलतियां करो, मगर एक गलती दोबारा मत करो, बार बार मत करो, क्योंकि हर गलती का खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ता है। जिंदगी हो या क्रिकेट, हर गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दो रन यहां पे आपने मुफ्त के खर्च किए हैं और रनों की संख्या हो चुकी है 6 रन। कुल मिला के जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत। अगली गेंद, जी हां, हवा में खेलने की गलती, मगर मिड ऑफ को क्लियर किया। प्रमोद राउत उस गेंद के नीचे नहीं आ पाए, दूर से ही हाथ डालने की कोशिश की और गेंद उनके पाले से दूर थी और इसी वजह से एक जीवन दान, और दोनों भी बल्लेबाजों ने इसका भरपूर लाभ उठाते हुए 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बीच फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दिशा में गेंद दनदनाती में निकल गई 4 रनों के लिए। चुकी है एक अच्छा खासा घट रहा था ये ओवर, मगर अचानक फिर से एक बार नया मोड देखने को मिला और वैभव अंबुकर ने अपने पहले ओवर में 12 रन खर्च किए हैं। हालांकि उनके हाथ 2 सफलताएं लगी जरूर, मगर उसके लिए उनको 12 रन खर्च करने पड़े। उनके पास अब यहां पे ज्यादा रन नहीं है खर्च करने के लिए, किफायती गेंदबाजी करनी होगी। इस बीच नए गेंदबाज आए है, अभिमन्यु, जिन्होंने वेलवली टूर्नामेंट में कमाल की गेंदबाजी करते हुए अपनी पहचान बनाई है। एक ओवर उन्होंने फेंका था और उस ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया था और बल्लेबाजों को अचंभित किया था, रनों से वंचित किया था और एक जादूमय और जादू भरी अपनी फिरकी की गेंदबाजी दिखाते हुए पूरी तरीके से बल्लेबाजों के ऊपर हावी हुए थे। वही अभिमन्यु राइट आर्म ओवर द विकेट। सामने होंगे बल्लेबाज कैप्टन मंगेश मात्रे। विकेट के पीछे देखिए सूरज गोंधली, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग। अभिमन्यु की गेंद, आहा स्लोवर वन गेंद थी, बैक टू द बॉलर खेला था, फॉलो थ्रू में उस गेंद को फील्ड करने में नाकाम रहे। कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद ट्रेवल करती हुई नजर आई। 1 रन यहां पर मिलेगा, इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 13 रन। बाएं हाथ के बल्लेबाज निखिल, निखिल के लिए फील्डिंग में तब्दीली करते हुए बार बार यहां पे एक्सरसाइज करनी पड़ रही है अंपायर जी को और उसी के साथ सभी खिलाड़ियों को। अभिमन्यु राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ पड़े, स्लोवर वन गेंद, मगर इस मरतबा सीधा फील्डर के हाथों में और निखिल पाटिल बैक टू द पवेलियन। मगर अभिमन्यु एक सफल गेंदबाज दूसरी ही गेंद के ऊपर अपनी शिकार यहां पे करते हुए बहुत ही बढ़िया चतुराई के साथ
गेंद के ऊपर किस तरह से अपने उंगलियों को घुमाया जाता है, पिरोया जाता है और बल्लेबाजों को झांसा दिया जाता है, उसका उदाहरण पेश करते हुए अभिमन्यु फिर से एक बार। जी हाँ, इस मरतबा फास्टाबंदी, बहुत ही अच्छा स्क्वायर कट देखने को मिला और वहां पे खाली क्षेत्र, डी पॉइंट खाली, गेंद दंदनाती भी सीमारेखा के बाहर निकल गई चार रनों के लिए। गेंद के ऊपर अपना खाता खोला इस चौके की सहायता से। ओहो, स्लोवर वन गेंद, चकाना चाहते थे, फंसाना चाहते थे मगर अपने ही जाल में फंस गए अभिमन्यु। अपस्वम के बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर जी ने उसे वाइट करार दिया था। सामने जो बल्लेबाज है, हालांकि एक शतक उनके नाम पे है। फिर से एक बार अभिमन्यु अपस्वम के बाहर भटके और फिर से एक बार वही इशारा आता हुआ। मैं बात कर रहा था इस बल्लेबाज की जिनके नाम एक शतक है। हाल ही में इसी साल में आरसीएफ के मैदान पर लेदर क्रिकेट में उन्होंने अभी अभी शतक ठोका था। कमाल का 65 गेंदों में उन्होंने अब शतक बनाया था। वही बल्लेबाज इस मरतबा देखिए, वक्त की नजाकत को उन्होंने समझा, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी मगर हवा में खेलने की गलती नहीं की और ढीले हाथों से स्क्वायर लेग की दिशा में ढकेल कर एक रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल करते हुए साथ ही बल्लेबाज को स्ट्राइक इन पर लाकर खड़ा किया है। अब जीतने के लिए मात्र चार रनों की और जरूरत। इससे एक बार स्लोवर वन गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई बैकफुट पर जाकर उसे मंगेश टैप करना चाहते थे मगर फंस गए। गेंद और बल्ले का बिल्कुल संपर्क नहीं। ये लाइट वेट गेंद होने की वजह से बल्लेबाजों को यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत पेश आती हुई। जी हाँ, फास्टर वन इस मरतबा, बहुत ही बढ़िया गेंद, शानदार यहाँ पे वर्सटाइल गेंदबाजी देखने को मिली अभिमन्यु की। दो खराब गेंदें मगर कुल मिला के एक अच्छा ओवर, क्योंकि इस ओवर में मात्र उन्होंने 8 रन खर्च किए हैं और एक सफलता उनके नाम। कुल मिला के दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 20 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अब बचे हुए 12 गेंदों में जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत। अब यहां पे तीसरे ओवर के लिए किसे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया जाए इसी बारे में सोच विचार करते हुए, मगर जो भी निर्णय है वो निर्णय आप जल्द से जल्द देंगे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और नए गेंदबाज आए हैं, कोलप अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। 12 गेंदे और 4 रन, अगर यहां पे ऐतिहासिक जीत अगर दर्ज करनी है तो मेडन ओवर करना होगा, उसके साथ कम से कम 2-3 विकेट एक ओवर में चटकाने होंगे तब जाके यहाँ पे कुछ काम बनेगा, वरना मात्रा औपचारिकता ही बची है। क्योंकि क्रिकेट इतना फास्ट हो चुका है, इतना एडवांस हो चुका है। कोलब की बहुत ही अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आ रही थी गेंद, उसे ऑन द राइज खेलने की कोशिश कर रहे थे आदिल मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। नजदीकी फील्डर में फील्डर मौजूद नहीं था, उसका फायदा उठाते हुए दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और एक रन मुकम्मल कर लिया। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 21 रन। फिर से एक बार यहां पे एक रन मिलेगा, 22 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 22 रन ऑन स्कोरबोर्ड। अब मात्र 2 रनों की जरूरत। तमाम क्रिकेट के दीवाने उत्सुकता से इस मैच को देख रहे हैं और इसके आने बाद आने वाला जो मैच होगा उनके लिए बहुत ही नया होगा, क्योंकि सभी नए सितारे होंगे। क्योंकि मसला टीम हमारे यहाँ पे अलीबाग में पहली मरतबा मेरे ख्याल से खेलने के लिए आ चुकी है। हम दोनों भी टीमों के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है बहरेश्वर मानी टीम ने। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत अभिनंदन। आणि या सामन्याचा सामनावीर